हेलो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ का साइंस का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट मतलब खाने को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन नीड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनिज़्म ऑर्गनज सा नीट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे काम परफॉर्म करने होते हैं जैसे रेस्पायरेशन डाइजेशन ये बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है तो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू तो परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को तो परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है द एनर्जी सप्लाइड बाय द न्यूट्रिय और ये जो एनर्जी आती है ये कौन देता है न्यूट्रिएंट्स देते हैं ऑर्गेनिज्म में नीड वेरियस रॉ मटेरियल इसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे कच्चा मटेरियल भी यूज़ होता है जो उनकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाई न्यूट्रिय ये जो रॉ मटेरियल है ये भी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है न्यूट्रियस प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रियट्स क्या होते हैं मटीरियल विच प्रोवाइड तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया मटीरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऐसा मटीरियल जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रियट मतलब ऐसा मटेरियल ऐसा मटेरियल जो हमें न्यूट्रिशन देता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के एंड आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रियट्स इन्हें माइक्रो न्यूट्रेंट्स कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रियस कहलाते हैं मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट जबकि मिनरल्स और विटामिन हमें बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रियस इसलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रियस कहते हैं प्लान्ट मेक देयर फूड दैमसेल्स बट कैन नॉट एनिमल्स कैन नॉट प्लान्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बट एनिमल कैन नॉट एनिमल नहीं बना सकते हैं एनिमल्स से डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लान इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसपे डिपेंड होते हैं प्लाट्स पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लान्स में कौन कौन से मूड होते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं न्यूट्रिशन के तो सबसे पहला जो आपका न्यूट्रिशन है उसको बोला गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटो का मतलब होता है खुद सेल्फ और ऑट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट तो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्यों बिकॉज दे मेक देयर फूड दैम सेल्फ क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं द मेकिंग मेकिंग ऑफ फूड फॉर देम सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसी तरह जो अपना खाना खुद बनाने द मेकिंग ऑफ द फूड जो द मेकिंग ऑफ द फूड फॉर देम सेल्फ अपने लिए खाना बनाने ही की जो प्रोसेस है मोड है द मेकिंग ऑफ़ फूड फॉर देम सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपने लिए खाना बनाना जो है वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स ये जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे कैन प्रिपेयर देयर फूड दैमसेल्फ क्योंकि अपना खाना वो क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की हेल्प से अपना खुद बना सकते हैं एंड सम कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में वो है आपका हैट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट हेट्रो का मतलब होता है द वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हेट्रो एंड ट्रॉप्स हेट्रो का मतलब होता है अदर्स दूसरा और ट्रॉप्स मतलब होता है मीनस नरिशमेंट इफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स यदि ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड करता अपने खाने के लिए तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसे कहते हैं हम हैट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन

ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते दूसरे पर डिपेंड होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे बोलते हैं हैंट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड एमसेल्स सबसे बड़ी बात है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते दे डिपेंड तो वो क्या होता है डिपेंड होते हैं दे डिपेंड फॉर फूड अपॉन प्लांट्स वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं देआर फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसलिए एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं साथ एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉप और एनिमल को हम हैट्रोट्रॉप कहते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी को और एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा डिफाइन करते हैं अपन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप होता है ऑटो का मतलब सेल्फ होता है ट्रॉप्स का मतलब फीड होता है तो मतलब कहने का मतलब जो प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन मेक देयर देयर फूड सेल्स वो अपना खाना खुद बना सकते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इधर लाइट और एनर्जी जैसे प्लांट्स अपना खाना जो बनाते हैं वो फोटोसिन्थेसिस से बनाते हैं और वो सन को कैमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं कीमोथीसिस टू सिंथेसाइज फूड मतलब वो सोलर सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते इसे कीमोथैसिस कहते हैं हेट्रोट्रॉप से मतलब होता है ऑप्टन एनर्जी जैसे ये क्या करते हैं हेट्रोट्रॉप से जो होते हैं एनिमल्स होते हैं ठीक है जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपना खाना जो है वो प्लांट से ही कैट करते हैं ठीक है ऑप्टिन एनर्जी थ्रू इंटेक और डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब तो प्लांट जो चीज़ें बनाते हैं उनको खाकर ये लोग एनर्जी कैट करते हैं तो इसमें प्लांट एनिमल्स होते हैं और प्लांट टिश्यू भी होते हैं जो हैट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं देखिए यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल हैं जैसे देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं यहाँ पर देखिए इंसान जो अपने खाने के लिए डिपेंड करता है प्लांट्स पर ये टाइगर देखिए प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर डिपेंड करता है ये मशरूम जो है वो दूसरी चीज़ों पर दूसरी चीज़ों से अपना खाना गेट करती है तो ये सब क्या कहलाते हैं हैंट्रोट्रॉप्स जो खाना खुद नहीं बनाते दूसरों पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स ठीक है आगे बढ़ते हैं लेट्स गो अहेड इसके बाद हम पढ़ते सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रीशन क्या होता है द अपटेक ऑफ दि द अपटेक ऑफ न्यूट्रिय बाई ऑर्गेज्म फॉर डेड इन डिक फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो कुछ uh, जो ऑर्गनिज्म होते हैं वो अपना खाना जो होता है वो डेड एनिमल से uh, या डे मैटर डिकिंग चीज़ों से लेते हैं तो ऐसा जो टाइप का न्यूट्रिशन होता है उससे बोलते हैं न्यूट्रिशन देखिए क्या लिखा द अपटेक ऑफ द न्यूट्रिय मतलब न्यूट्रिशन अपटेक अपटेक मतलब लेना बाईनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स को लेता है किससे लेता है फ्रॉम डैड एंड डिकिंग मैटर मतलब सड़े हुए डैड या डिकिंग चीज़ों से इन द फॉर्म ऑफ सल्यूशन हो किस फॉर्म में लेता है सल्यूशन के फॉर्म में इसको इस तरह का जो न्यूट्रीशन होता है उससे बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन ऑर्गेनिज्म विच यूज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते उन्हें बोलते हैं सैप्रोट्रॉप एग्जाम्पल फंगस फंगस जो है वो सड़ी हुई चीज़ें या ख़राब चीज़े चीज़ों में ही डेवलप होती है उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो प्लांट न्यूट्रिशन प्लांट न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स से प्रिपेयर देयर ओन फूड दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ग्रीन प्लांट होते हैं तो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं अपना खाना सनलाइट सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी सनलाइट से बनाते हैं सनलाइट उन्हें एनर्जी देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल और वो खाना बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है जो रॉ मटेरियल की जैसे काम करता है और क्लोरोप्लास्ट इन द साइट वेयर फूड इज मेड मतलब क्या होता है जो खाना होता है क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड तो क्लोरोप्लास्ट मतलब जहाँ खाना बनता है वो जो होता है क्लोरोप्लास्ट इज द साइट क्लोरोप्लास्ट में जो है वो खाना बनता है अब इसके बाद नेक्स्ट जो है खाना जो है प्लांट का बनता है पत्तियों में ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस मतलब ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी इसमें जो सोलर एनर्जी होता है जो प्लांट यूज़ करता है उसे वो किस में कन्वर्ट कर देता है कैमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एंड कार्बोहाइड्रेट आज फॉर्म और इसमें बनता है कार्बोहाइड्रेट जो उसे एनर्जी देता है ग्रीन लीव्स आर द मेन साइड्स ऑफ फोटोसिन्थैसिस फोटोसिन्थैसिस जो है वो कहाँ होती है किस जगह में होती है तो वो होती है आपकी हरी पत्तियों में द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन अ पिगमेंट जो प्लांट का ग्रीन पोर्शन होता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिससे हम कहते हैं क्लोरो प्ला, क्लोरोप्लास्ट बिच कंटेन क्लोरोफिल और उसी के अंदर क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है ठीक है तो मतलब कहने का मतलब होता है जो फूड जो ग्रीन प्लांट ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट का उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट उसी में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट में ही खाना बनता है चलिए द होल प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस कैन बी शोन बाय द इक्वेशन तो अपन जैसे केमिकल इक्वेशन से भी इसको फोटोसिंथेसिस को अपन क्या कर सकते हैं समझा सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब आ, क्या होता है प्लांट अपना खाना बनाते हैं सनलाइट तो देखिए सनलाइट जो है वो सनलाइट बता रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रो वॉटर है दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है आपका ग्लूकोज ग्लूकोज जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन गया और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो गई ठीक है इस तरह से मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ये फोटो की जो आपकी प्रोसेस है उसका क्या है ये रिएक्शन द प्रोसेस आप फोटो कैन बी प्रेजेंटेड एज यदि पिक्चर में शो करना हो तो आप इस तरह से बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस कैन भी रिप्रेजेंटेड एज फोटो की प्रोसेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई विद देल्प ऑफ पिक्चर्स यहाँ पर आप देखते हैं सनलाइट है और ये देखिए लीफ है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले, ले लेते हैं एटमोसफियर से प्लांट्स और जो पानी जो है उसकी रूट से यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर बन जाता है प्लांट का खाना ठीक है और यहाँ पर जो सोलर ये जो सोलर एनर्जी है सूरज की जो एनर्जी है उसको हम कहेंगे सोलर एनर्जी ठीक है सोलर एनर्जी जो होती है वो प्रोसेस में केमिकल एनर्जी के रूप में यहाँ पर सेव हो जा मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ग्लूकोज है ग्लूकोज भी तो आपको एनर्जी दे रहा है वही केमिकल फॉर्म में आ गया तो सोलर एनर्जी क्या होती है इस तरह से मतलब केमिकल uh, एनर्जी में चेंज हो जाती है तो चलिए और क्या पॉइंट्स होते हैं द तो प्रोसेस ऑफ फोटो तो इसमें यू हैव टू बेयर सम फैक्ट इन योर माइंड आपके माइंड में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी

प्लांट जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस उसमें ग्लूकोज बनता है और जितनी ज़रूरत होती है उतना तो वो ग्लूकोज में रहता है और बाकी जो एक्सेस गुल, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में सेव रहता है पत्तियों में दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट और ये जो स्टार्च होता है पेड़ की जो पत्तियाँ होती है उसमें सेव रहता है स्टोर रहता है द तो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी सनलाइट की एनर्जी को ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बाई मेकिंग कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है मतलब ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है तो जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट का यूज करके एक केमिकल बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज तो ये सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल फॉर्म में क्या हो जाती है स्टोर uh, हो जाती है सेव हो जाती है द फोटो सिंथेसिस द फोटो सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के तीन स्टेप्स होते हैं एब्जॉर्बेशन ऑफ सनलाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल सबसे पहला एब्जॉर्बेशन मतलब सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी सेकेंड जो होता है वो लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड स्पिटिंग ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और पानी जो है वो स्पिट हो जाता है मतलब पानी जो होता है देखिए पानी का फॉर्मूला होता है एस टू वो क्या होता है पानी हाइड्रोजन और पानी में ऑक्सीजन अल, में अलग अलग हो जाता है ठीक है बाईस लाइट एनर्जी ये जो सोलर एनर्जी होती है लाइट एनर्जी उससे ये सारी चीज़ें हो जाती है इस तरह से थ्री स्टेप्स में जो फोटोसेंथेसिस होती है सबसे पहला एब्जॉर्बन ऑफ द एब्जॉर्बशन ऑफ द सन लाइट एनर्ज, सन एनर्जी सन लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी को सेकेंड कन्वर्ट ये जो सोलर एनर्जी है वो सेकंड स्टेप में केमिकल एनर्जी में थर्ड कन्वर्ट होती है और फिर इसके बाद जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है और थर्ड जो पॉइंट होता है रिडक्शन ऑफ कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म कार्बो कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज मतलब फिर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से मिलकर एक नया केमिकल बनाती है इसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी और ये जो, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है हाइड्रोजन से मिलती है और एक नया कंपाउंड बनाती है इसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट और ये जो होता है एक तरह का ग्लूकोज होता है और यही इसमें क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होती है लाइट एनर्जी होती है वो काम में कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटो सिंथेसिस फ़ोटो सिंथेसिस के लिए आर द कंडीशन एसेंशियल फॉर फोटो सिंथेसिस तो सबसे पहला है कि आपके पास क्या होना चाहिए द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटो सिंथेसिस टू टेक प्लेस फोटोसिंथेसिस के होने के लिए टेक प्लेस होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है सबसे पहले सनलाइट होना चाहिए क्लोरोफिल होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और वाटर होना चाहिए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए बन करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हाउ द प्लांट्स ऑप्टेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑप्टेन करते हैं कैसे लेते हैं वो हम पढ़ते हैं अब देखिए ये जो आपका लीव का एक पिक्चर दिया गया है ये देखिए यहाँ पर ये जो है आपको छोटे-छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं ये है, है। इसके कारण पत्तियाँ क्या होती है, ग्रीन, ग्रीन है। इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है okay. ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं अपन स्टोमेटल ओपनिंग यहीं से क्या होता है जिस तरह आप नोज से सांस लेते हैं ब्रीदिंग करते हैं उस तरह प्लांट्स जो होता है इस इस्टोमेटल इस ओपनिंग से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं इनहेल करते हैं और इसी से यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और ये जो इस्टोमेटल ओपनिंग है इसके बाजू में ये जो सेल्स से दिख रही हैं है आपको इनको कहते हैं अपन गार्ड सेल रात के समय में ये जो सेल होती हैं ऐसी हो जाती हैं तो रात के समय में स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं देखिए ऐसा देखे, दिन के समय में क्या होता है दिन के समय में जो होता है इस तरह से ओपन रहते हैं ये देखिए तो यहाँ से आप CO2 जो है वो इनहेल करते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन यहीं से क्या करते हैं एक्सेल करते हैं इस तरह से प्लांट्स जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइमिंग पोर्स कॉल्ड एस्टोमेटा तो पत्तियों में छोटे छोटे पोर होते हैं छेद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव ऑफ द प्लांट प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे होल होते हैं दीज होल्स आर कॉल्ड पोर्स दीज पोर्स आर कॉल्ड stomata. इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स एंटर्स द लीव ऑफ द प्लांट थ्रू द stomata. मतलब जो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स मतलब स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट लीव के अंदर जाते हैं ईच स्टोमेटा पोर्ड इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल जो एक स्टोमेटा का ओपनिंग होता है ठीक है जैसे मान लीजिए ये स्टोमेटा है. है ये स्टोमेटा है एक स्टोमेटा में एक पेयर ऑफ गार्ड सेल्स रहती हैं ये देखिए ये वन है यहाँ पे दो गार्ड सेल हैं तो ईच स्टोमेटा इज गार्डेड सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स होती हैं एक स्टोमेटा के एक स्टोमेटा ओपनिंग के में एक पेयर ऑफ एक पेयर मतलब दो गार्ड सेल्स होती हैं इच स्टोमेटा फोर इज बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब क्लोज होगा ये डिपेंड है ये ये जो कंट्रोल होता है ये कौन करता है ये जो गार्ड सेल्स होती हैं उनका काम होता है स्टोमेटल ओपनिंग को क्लोज करना और ओपन करना ये फंक्शन होता है एक वर्क होता है गार्ड सेल का